कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सभी से अपील की जा रही है कि आप अपनी कोरोना की जांच अवश्य करा लें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में कोरोना की जांच के लिए एक वैन खड़ी कर दी गई है, जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक वहाँ पर खड़ी की गई है, जहाँ शहर के लोग पहुँच कर कोरोना की जाँच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम का ये कहना है कि शहर के कई स्थानों पर ये जाँच कार्य किया जा रहा है। तो वहीं पिछले दिनों जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा था कि मुरादाबाद में लगभग 2000 लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है, सभी लोग सहयोग करें और कोरोना की जांच अवश्य कराएं। जनपद मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की जांच शहर के कई स्थानों पर की जा रही है। ऐसे में शहरवासियों की अपील थी कि कोई स्थान है सुनिश्चित किया जाए सिविल लाइन क्षेत्र में, जहां पर सभी लोग पहुंचकर जांच करा सके। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में COVID-19 कोरोना जांच मोबाइल वैन को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इसी स्थान पर खड़े होकर सबकी जांच करे, जिसको लेकर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की जांच कर रही है। आपका ये भी बता दें कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पिछले दिनों 15 अगस्त के मौके पर जनता को ये बताने का प्रयास किया था कि प्रतिदिन जनपद मुरादाबाद में 2000 लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। आपने देखा होगा कोविड महामारी से निपटने के लिए अगर जिस समय कोविड अपने देश में आया था, ये कहीं पे भी कोई अपने प्रदेश में टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। आज जो है 1 लाख टेस्ट पर डे अपना प्रदेश कर रहा है और जनपद मुरादाबाद से भी 2000 टेस्ट इस समय पर डे हो रहे हैं। पीछे हम लोगों ने 2500 से लगभग 3000 टेस्ट पर डे किए। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां पे करीब 3 महीना पहले एक भी व्यक्ति का टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, वहां पे एक जनपद में हम 3000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार जो है 1 लाख टेस्ट पर डे कर रही है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी नियंत्रित तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसमें सभी का सहयोग चाहिए। पंचायत भवन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन हमारी टीम पहुंचकर सभी का निःशुल्क जांच कर रही है। फॉर्म भरवाने के साथ सभी बातों को ध्यान में रखकर जांच कार्य को पूरा किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी जांच की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि आप जांच कराते समय चेहरे पर मास्क सैनिटाइजर साथ में लेकर आएं और जांच में सहयोग करें। ये जांच स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क कराई जा रही है। शहरवासियों से अपील की है कि वो कोई भी कोरोना की जांच कराना चाहता है सुबह सुबह 10 बजे से दोपहर तक मंच के मैदान में पहुंच सकता है। सर, ये इंतजाम तो ये दिए जा रही है कि हर आने रोजाना पंचायत भवन में 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको यहाँ पर हम लोग सैंपल कराए जाते हैं। क्षेत्र में आम आदमी कोई भी काम भी करा सकता है, निःशुल्क है, तो कोई भी चार्ज नहीं लगता। क्या क्या प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी? सर, प्रक्रिया ये है, लोगों को जैसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, अपना मास्क लगा कर रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर भी अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप कहीं बैठ रहे हैं उठ रहे हैं मंच लग के आप लोगों को तो बैठना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जितना भी कर सकती है लेकिन अपने आप ही बचाव के लिए भी हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रतिदिन कितनी जांचें की जा रही हैं? सर, जांच तो कम से कम 200 से ऊपर ही हो रही है रोज की। एक गाड़ी चल रही है पंचायत भवन में, 150 के लगभग होती है रोज की जांच। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं सबसे ये कहूँगा जब से ज़्यादा आप लोग अपने घरों में रहिए, घर से जब भी निकले, जब कोई कामकाज होता है तभी निकलिए, मास्क लगा कर रहिए, सैनिटाइजर अपने जेब में रखिए, क्योंकि कौन कहाँ बैठ रहा है किसी को नहीं मालूम। जैसे बाइक है, कार है, स्टीयरिंग पर बैठ रहे हैं, आप उसे छिड़क के आराम से बैठ। मान ली यहाँ पे जांच कराने के बाद वो रिपोर्ट कब लेगा और कहाँ से लेगा? सर, वो जांच लेने की रिपोर्ट ये है हमारे CMO ऑफिस में 3 दिन के बाद हमारे पास आती है। 3 दिन के बाद CMO ऑफिस में हमारा कैंप लगा हुआ रहता है, एक लड़का बैठता है, वो जांच के लिए सबको साथ देता है। जो लोग जांच कराना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर, जिनसे जांच कराने जाएगी कोई भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, निःशुल्क है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपसे कोई पैसा लेता है तो आपकी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।